चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद पंजाब कांग्रेस को लेकर सस्पेंस अभी जारी है। नाराज चल रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील झाकड़ ने बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, झाकड़ राहुल प्रियंका के साथ विमान से दिल्ली आए हैं। जब पंजाब में राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले झाकड़ के अचानक राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद भावी मुख्यमंत्री की सूची में सबसे आगे चल रहे थे, हालांकि बाजी मारी चरणजीत सिंह चन्नी ने। इसके बाद सुनील झाकड़ ने खुलकर नाराजगी जाहिर भी की थी। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से पहले सुनील झाकड़ ही ये पद संभाल रहे थे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि राहुल और प्रियंका शिमला से लौटे थे और दोनों बुधवार शाम को चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए एक विमान में सवार हुए। झाकड़ भी इस यात्रा में उनके साथ थे। माना जा रहा है कि झाकड़ को शांत कराने के लिए दिल्ली लाया गया है ताकि उनकी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान ना हो। इसके अलावा जल्द ही उन्हें कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। पार्टी के चुनावी कैप्टन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर झाकड़ के नाम पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में झाकड़ को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल पाती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।